हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज हमारी, देखिए प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो हमारी प्रोनाउन की एरर एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी। अब तक इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इंग्लिश की बेसिक टू हार्ड की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारी इंग्लिश की वीडियोज देख सकते हैं। और प्रोनाउन का चैप्टर आप अगर पहले से आपने पढ़ लिया है तो आप एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज, देखिए आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके पास ABCD आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस है। जिस पार्ट में आपको एरर लगती है आप उस पार्ट को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि ए पार्ट में एरर। क्वेश्चन भी आपके देखिए इसी टाइप से पूछे जाते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो SSC CGL में देखिए पहले या SSC के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें पहले पूछे गए हैं। तो आपको इनसे क्या होगा, आपकी इनसे प्रिपरेशन अच्छी बनेगी। तो हम बिना देरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड मैं आपको जो एरर बताऊंगी कि भाई इस पार्ट में एरर है, तो उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी उसका दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे एरर क्यों है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। देखिए क्या है, द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग, तो ठीक है देखिए पढ़ते, क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। ठीक है भाई, दो मैन थे वो क्या करते, झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर आप देखते ही गलती पकड़ लोगे, यहाँ पर बात कितने लोगों के बारे में हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ दो लोगों के बारे में। और यहाँ पे यूज़ हुआ है वन अनदर, तो मैंने आपको ये रूल में बताया था कि भाई दो के लिए वन अनदर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ईच अदर का प्रयोग होता है जब हम दो पर्संस की या वस्तुओं की बात करते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना होता है, ईच अदर का प्रयोग करना होता है। और अगर हम दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम वन अनदर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन अनदर नहीं आएगा, हमारे बी पार्ट में एरर थी क्योंकि हम यहाँ पर टू मेंस की यानी दो पर्संस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप सो आपको फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी कि भाई वन अनदर क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए ध्यान रखिए। सेकेंड पढ़िए, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भाई हर कोई क्या जानता है कि भूटान बहुत ज़्यादा शांति भरा देश है। ठीक है, तो अपनी एरर बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, हम जब हमने अदर का यूज़ किया है, हमने क्या बोला है कि भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल, तो मोस्ट क्या होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, अगर आपने रूल नहीं पढ़ा हो ध्यान से पढ़ेगा, इसमें अदर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है तो उसके साथ हम कभी भी अदर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री कब यूज़ करते हैं, जब हम सारे मतलब टोटल में से अच्छे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमने जब मोस्ट पीसफुल लगा दिया तो हमें पता है ना कि बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसके साथ हम भूटान की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें अदर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑल कंट्रीज सही होगा क्योंकि हम सारी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ऑल अदर कंट्रीज लगाना गलत होगा। तो यहाँ पर अदर नहीं आएगा, इसलिए सी पार्ट में जो थी वो एरर थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड में देखिए कहाँ पे एरर होगी, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। अब ये तो बहुत ही आसान है, देखिए हमने बताया था कि जब हमारे पास जो वर्ब होती है वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना, लेकिन माई सेल्फ हमारा प्रोनाउन में क्या सब्जेक्ट होता है, नहीं होता ना, तो माई सेल्फ की जगह हम यूज़ करेंगे आई का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई हमारे पास अगर वर्व है तो वर्व के पहले सब्जेक्ट ही आना है, तो फिर माई सेल्फ तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि माई सेल्फ देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो खुद के लिए प्रयोग होता है, लेकिन कभी भी इसका यूज़ हम सब्जेक्ट में नहीं करते, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, माई सेल्फ की जगह यूज़ होगा आई का। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट्स में लगाना है तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वही आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका क्रम भी सही होना चाहिए, आई एंड रोशनी नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि दो पर्सन अगर एक साथ आ जाएँ तो उनका क्रम होता है 2 3 1, अगर नॉर्मल केस है तो, या तो ये तो नॉर्मल केस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रोशनी एंड आई, यहाँ पर इसका जो सही क्रम है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में जो थी वो एरर थी। बढ़ते हैं अपने अगले तरफ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट
नाइट, ये मैं और मेरी वाइफ जो थे वो घर थे लास्ट नाइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक तो मैं हूँ मी के लिए यूज़ हुआ है और एक है माई वाइफ, तो यहाँ पर मी तो हमारा क्या होता है, मी तो हमारा प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस होता है आपको ये बताना है। तो ये प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होता है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं यूज़ करना है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी मी की जगह आई यूज़ करेंगे, और इसका जो क्रम बनेगा ना वो बनेगा माई वाइफ पहले आएगा और आई जो है वो बाद में आएगा, माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट, तब ये बिल्कुल सही होगा। तो ये भी ध्यान दीजिए, एरर किसी भी तरीके से आ सकती है आपके पेपर में कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना था तो इन्होंने इसका कभी पजेसिव केस यूज़ कर लिया है, कभी रिफ्लेक्सिव केस यूज़ कर लिया, तो आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, तो अब यहाँ क्या एरर होगी, He was for all. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमने सेंटेंस बोला है उसमें ए पार्ट में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ही वॉज फॉर ऑल नहीं होगा, उसने क्या करा है सारी कारें जो है कार को बेच के अगर बाइसिकल खरीदी है, तो फॉर ऑल यहाँ पर गलत है, फॉर ऑल की जगह ऑल फोर आएगा, ही वॉज ऑल फॉर सेलिंग द कार, ये कहना बिल्कुल सही होगा, इसका अर्थ है मतलब उसके फेवर में है, वो किसके फेवर में है, कार को बेचने के फेवर में और बाइसिकल को खरीदने के फेवर में, यहाँ पर ऑल फोर का जो मतलब है वो आया है हमारा फेवर में, कि भाई कंप्लीटली वो किसके फेवर में है कि कार को बेच दीजिए और बाइक को खरीद लीजिए। तो ये थी ए पार्ट में यहाँ पर एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रही है, यू एंड ही के बीच, यू एंड ही कहना सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन का हमारा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है ना, तो हमें ही की जगह हिम का यूज़ करना ज़्यादा सही होता है, तो जब हम बिटवीन आता है ना, बिटवीन के बाद हम क्या करती हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करती हैं, तो बिटवीन यू एंड हिम आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। सेवन क्वेश्चन देखिए, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज़, भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए होम द नेक्स्ट कि भाई कौन जो है वो अगला स्पीकर होगा, क्या तुम जानते हो, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमें होम हमारा हमें पता था, होम हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या, डू यू नो हु द स्पीकर, ठीक है यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है क्योंकि कौन है अगला स्पीकर उसे बताने के लिए तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत है नहीं, तो भाई सब्जेक्ट की अगर ज़रूरत होगी तो सब्जेक्ट के लिए हमें पता हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा डू यू नो हु द नेक्स्ट स्पीकर इज़, तो हम यहाँ पर हुम की जगह यूज़ करेंगे हु का, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी एरर्स देखिए ऐसी तो पकड़नी होती है एरर, ओके। देखिए फिर एट्थ सेंटेंस में देखिए, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ, हाँ जी एट्थ सेंटेंस देखिए, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी, वही यहाँ पर है आई एंड माई वाइफ, तो ये ऐसे हमने पहले भी सही किया था, यहाँ पे जो क्रम है ना इसका सही नहीं है, यहाँ पर हम मेरी वाइफ की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बात हो रही है थर्ड पर्सन की और ये बात हो रही है हमारी, आई का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, तो हमारा जो क्रम है अगर हम टू और थ्री फर्स्ट और थर्ड पर्सन की बात करें तो क्रम होता है 2 3 1, यानी थर्ड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन से पहले आता है, तो ये जो होगा इसका क्रम ये वाला जो है वो बिल्कुल गलत होगा, आई एंड माई वाइफ नहीं होगा, माई वाइफ एंड आई, ये क्रम जो है इसका सही है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी एरर इसी तरीके से करते हैं कि पर्सन को आगे पीछे कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नाइन क्वेश्चन देखिए, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, द वाइजेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वाइजेस्ट यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वाइजेस्ट हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम एक कंजक्शन दैट का ही यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, हु की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, तो ये रूल भी ध्यान रखिएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद आपको कंजक्शन दैट का ही यूज़ करना है, तो इसमें दैट आएगा हु की जगह। अगला सेंटेंस सीखे, इलेवेंथ में क्या बोला है, द इलेवेंथ सेंटेंस ना, द नहीं टेंथ सेंटेंस देखिए, द हेल्पर आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन दैट ऑफिस, द हेल्पर आस्क्ड मी
who I wanted to meet in the office. इस sentence में क्या कोई गलती लग रही है? तो बहुत सारे दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गलती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, इस सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दे दिया जाता है कि एरर, सोचते हैं कि बच्चे सोचेंगे एरर है, लेकिन एरर कभी कभी किसी सेंटेंस में नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। 11th सेंटेंस देखिए, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ मी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। तो देखिए, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ मी, यहाँ पे मी क्या यूज़ किया है, तो हमें मी नहीं यूज़ करना है, मी के स्थान पर हमारा माई आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पार्टिसिपेटिंग क्या है, जीरेंड है, ठीक है। जीरेंड से पहले हमेशा पजेसिव हमारा एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको रूल में भी बताया है। तो जीरेंड है, उससे पहले जो आएगा वो हमारा एडजेक्टिव आएगा पजेसिव, तो इसलिए मी की जगह आएगा माई। 12th सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक योर कमिंग हेयर। आई डोंट लाइक योर कमिंग हेयर, मैं नहीं पसंद करता तुम्हारा यहाँ पे आना। तो देखिए, यहाँ पर जेरेंड यूज़ किया गया है ना, कमिंग, और उसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया गया, तो बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना डी सही है। 13th देखिए, आई इन्जॉय इन द फ्रेश एयर। भाई इन्होंने क्या बोला है 13th में, आई इन्जॉय इन द फ्रेश एयर। तो मैंने आपको बताया था कि इंजॉय अगर वर्व की जगह यूज़ हो रही हो, देखिए यहाँ पे इंजॉय एज अ वर्व यूज़ हुई है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है अगर इंजॉय एज अ वर्व है। तो यहाँ पर इंजॉय एज अ वर्व है, तो आपको इंजॉय के बाद आई के लिए हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव में, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा, आई इंजॉय माई सेल्फ इन द फ्रेश एयर, तब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखने हैं ये कुछ जो रूल्स होते हैं एक्सेप्शनल केस वाले। 14th देखिए, हिज सन वॉन्टेड टू बाई एवरीथिंग दैट ही सॉ इन द फेयर। उसका जो बेटा है वो हर चीज़ खरीदना चाहता है जो भी उसने मेले में देखा है। तो 14th में कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, और आप देख रहे होंगे SSC के प्रीवियस पेपर्स में सारे सेंटेंस आए हुए भी हैं। 15th देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट वन। भाई 15th में क्या बोल रहा है, भाई दैट ऑफ दैट वन तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, विद्यार्थी एक नहीं है, विद्यार्थियों के बीच तुलना हो रही है, तो हमें यहाँ पर देन दैट ऑफ नहीं यूज़ करना होगा, दैट की जगह दोज ऑफ आएगा, क्योंकि हमें पता है कि दिस और दैट तो सिर्फ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दिस और दोज करते हैं प्लूरल के लिए। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट प्लूरल यूज़ हुआ है, तो आप उसके लिए प्रोनाउन में भी क्या करोगे, प्लूरल ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे दैट की जगह क्या आना है, हमारा दोज आना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, 16th, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, भाई एवरी वन ऑफ द फिल्म्स तो कुछ भी नहीं होता, नॉन लिविंग के लिए हम एवरी वन का प्रयोग पहली बात तो नहीं करते, फिल्म्स हमारी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम एवरी वन का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऑल फिल्म्स, ठीक है, जितनी भी फिल्म तुमने सजेस्ट की हैं, ऑल फिल्म। तो ध्यान रखना, एवरी वन, ईच, इन सब का प्रयोग हमारा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये वाक्य को ना बिल्कुल ख़राब ही कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होगा एवरीवन की जगह यूज़ होना है यहाँ पर ऑल फिल्म्स, ए पार्ट में जो थी वो एरर थी। 17th देखिए, हमारे पास सेंटेंस क्या है, द फैक्ट ऑफ हिम बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज माई कंडक्ट। द फैक्ट ऑफ हिम, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है यहाँ पे हमें, तो फिर भाई हम हिम का यूज़ नहीं करेंगे, हम हिम के स्थान पर यूज़ करेंगे हिज का, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं, जब फैक्ट ऑफ हिज आएगा, हाँ हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ही का, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे हिज लगाएंगे हिम की जगह। तो आज हमने पढ़े हैं 17th सेंटेंस, एंड आई होप सो आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में आगे के एरर्स करेंगे, तो आपको ध्यान रखिए एरर्स इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी एरर्स ट्राई करिए, जितनी आप कर सकते हैं तभी आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, अच्छे से सक्सेस हुई लाइफ में और खुश रहिए।